दुनिया को बनाया तो उसको एक हुक्म दिया कि ऐ दुनिया, जो तेरे पीछे बाकी है उसको जलील कर। और एक हुक्म और दिया कि ऐ दुनिया, जो तुझसे मुंह मोड़े बेरगबती इख्तियार उसकी खिदमत कर। ये दोनों हुक्म बड़े अजीब हैं। मुझसे जब मिलने आता है ना ये सनतकार ताजर, तो मैं उनको इन लोगों को सुना देता हूँ। मैंने कहा अगर गलती से अगर आपने इस दुनिया को मकसूद बना दिया तो जिल्लत मुकद्दर हो जाएगी आपका, मकसद जिसको कभी ना मिले इससे तो बेरगबती इख्तियार जाता है, आए ठीक ना आए ठीक। और अगर आप चाहें कि दुनिया बहुत मिले तो फिर आप तकल्लुफन इससे बेरगबत हो जाए। वो एक नौजवान था इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो उसका खाता है कि अगर इतने महीने हुए हैं और मुझे जॉब ही नहीं मिली, मैं तो जॉब के बगैर खेल रहा हूँ। मैंने कहा तो अभी और खेलोगे। फिर उसको मैंने लिखा कि देखो जॉब से बेरगबत होकर उसको तलाश करो, मुश्किल है। रगबत भी ना हो कि जॉब ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इतना भी ना उसके पीछे भागो कि तुम्हारा नाम लिखा जाए उसके पीछे भागने वाला। तो अगर उसके पीछे भागोगे ना नौकरी के, तो नौकरी आगे आगे और आप पीछे। तो इस नीयत से मुलाजमत तलाश करो तो मिलेगी तो ठीक है, ना मिलेगी तो फिर भी ठीक है। तो बड़ा मुश्किल, बड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है। फिर उसका खाता आ गया एक महीने के बाद, तो बहुत अच्छी जॉब मुझे मिल गई, टैक्स लगा था। तो बड़ा दुनिया लेनी हो तो उससे बेरगबत होना पड़े, समझाना पड़ता है। एक मुफ्ती साहब थे, तो वो रहते थे फैसलाबाद, उन्होंने फौत हो गए। तो उनसे मिलने में गया, या शायद उनके भाई ने मुझे बताया कि ये मुफ्ती साहब मुसाफिर है। मैं गया थे ऐसे गा रहे हैं ना बीवी बच्चे, फैसलाबाद में उनकी बीवी उनके बच्चे उनका अपना घर। तो मैंने पूछा मुसाफिर कैसे, कहते नहीं ये कहते मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे जाना पड़ गया हिंदुस्तान पढ़ने के लिए। तो मैंने किसी और से तो मसला नहीं पूछा, लेकिन वहाँ हमारे एक अल्लामा खालिद महमूद साहब थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो मैंने पूछा अल्लामा साहब एक मुफ्ती साहब हैं और वो रहते हैं वहाँ फैसलाबाद में, शादी भी है बीवी भी है बच्चे भी हैं मकान भी अपना है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ। उन्होंने ये फिक्र से कहा ये फिक्र कि हाँ लेकिन तकलीफ बहुत है, लेकिन मैं और हिला मैं कह हजरत तकलीफ बहुत का क्या मतलब। कहते हैं कहने लगे उनको हर सुबह हर शाम हर वक्त अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैंने यहाँ मेरी क्याम की नीयत नहीं, मेरी यहाँ क्याम की तो मैं तो मुसाफिर। तो ये तकलीफ है, तकलीफ तो करो। तो दुनिया से बेरगबत होना मुझे नहीं चाहिए और फिर नौकरी भी ढूंढना, इसमें तकलीफ मुशक्कत तो है, लेकिन हल ये अल्लाह जल्ला शानों से कोई चीज लेनी हो तो उसको दीन की ज़रूरत के साथ जोड़ा जाए। मसलन अल्लाह जल्ला शानों का कुछ अहकाम हैं कि नमाज पढ़ो, ज़ीनत वाला लिबास पहनो। अच्छा जी नमाज में ये जो है ना बालों आधे बालों वाले कुर्ता नहीं पहनना चाहिए, पूरा फुल बाल। तो ज़ीनत वाला लिबास पहनो। तो ये एक अल्लाह का हुक्म है आखिरत के अतबार से,
कि तुम्हारी आखिरत की जिंदगी में तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तो अल्लाह का हुक्म मानोगे और उसके अहकाम पर चलोगे। और एक हदीस वाले हदीस कुदसी कहते हैं अल्लाह का इरशाद है कि जब तुम मुझसे आखिरत मांगोगे या आखिरत की खेती में तरक्की चाहोगे तो मैं तुम्हारी खेती में तरक्की दूंगा। यानी आखिरत का कोई अमल मांगा जाए अल्लाह से जरूर मिलता है, हो नहीं सकता ना मिले, जरूर। और अगर तुम मुझसे दुनिया मांगोगे तो मैं फिर कुछ कई और दो तीन तरह के अल्फाज हैं, एक यह कि मैं तुम्हें कुछ दुनिया दे दूंगा लेकिन आखिर में फिर तुम्हारा हिस्सा नहीं। तो दुनिया तो अल्लाह से कभी न मांगे और नुकसान है, बड़ा खतरा है। जब भी मांगा जाए अल्लाह की रात से अभी आखिर मांगे जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, उसमें वादा किया कि मैं ज़रूर तुम्हारी खेती में तरक्की दूंगा। तो अब कपड़े इसलिए मांगे कि अल्लाह तेरा हुक्म है कि नमाज में अच्छा लिबास जीनत वाला लिबास हो, अच्छा लिबास हो, तो मुझे नमाज के लिए कपड़े हैं। तो अल्लाह की किताब से उम्मीद है इस तरह जो करके मांगेगा तो उसको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, तो वादा हुआ। तो इस तरह से ना कोई अल्लाह की राह से लेने का तरीका ढूंढ लेता। एक बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनको ये करामत थी कि भाई वो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, पहले 40 साल ऐसे वो पढ़ते थे। तो किसी ने पूछा हजरत ये कैसे हो गए, बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने फरमाया एक खास तरीके से दुआ मांगने, अदो तो इमाम थे लेकिन उन्होंने कोई तरीका ऐसा ढूंढ लिया जिसमें दुआ ज्यादा नहीं होती। 40 साल ईशा के वजू से वो फजर के नमाज, वो तो बहुत बुरा लगा उनको, उन्होंने तरीका ढूंढ लिया, बताया नहीं किसी को, लेकिन ये बता दिया कि खास तरीके से दुआ मांगने से ये पीर में लिहाज। तो इतना अगर अल्लाह में इलम दे कि भाई हम ये दुआ करते हैं कि कैसे हमारी ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा हो, सारी रात जागना ही पड़ेगा, जागेगा तो इबादत करेगा, लेकिन ये मलका ये कुदरत ये नेमत ये एक खास दुआ मांगने से उनको मिली। तो मकसूद यह है कि अल्लाह जल्ल शानों के इरशादात पर गौर करें, इससे कुदसी है कुछ है। एक जगह हमाया कि बंदा नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल कर, यहाँ तक कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़े, उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे चले, और उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे देखे। लेकिन आगे एक अजीब बात है, मैं अपने वली के हाथ में गजबनाक शेर बन जाता हूँ। कोई मेरे वली को तंग करना चाहे तो फरमाया मैं उसके हक में गजबनाक शेर बन जाता। अगर आदमी अल्लाह से दोस्ती लगा दे फिर कोई उसको नुकसान नहीं कर सकता, फिर अल्लाह की ऐसी मदद होगी कि कोई अगर कोशिश भी करेगा तो फिर शेर सामने आएगा, शेर का मुकाबला करना पड़ेगा, वो भी गजबनाक तो बचेगा नहीं। तो अल्लाह से मोहब्बत दोस्ती भलाई वली बन जाना, मैं अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो कि जो मेरे दोस्त हैं न कभी उनको खौफ आएगा ना। भाई अगर हम अल्लाह से वली बन जाए, ये हमारी जो है ना जिक्र, ये वलायत के लिए
सिर्फ जिक्र नहीं, ये वली बनने वाला अमल है। अल्लाह की दोस्ती हमें हासिल, मोहब्बत हासिल है। ये कोई छोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ा अमल। वलायत, वलायत में सबसे आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वलायत और नबूवत का चलता रहता है उलमा में कि वलायत अफजल है कि नबूवत अफजल है। फिर उसी नबी की वलायत और उसी नबी की नबूवत, इसमें से अफजल क्या है, ये बड़ा सवाल है। जैसे वलायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल थी, वलायत से मुराद अल्लाह से मोहब्बत, और नबूवत भी थी, तो आपकी नबूवत अफजल है या आपकी वलायत? तो उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक कुरान हकीम में एक आयत करीमा है, उसका वो है फ़ाइज़ा फ़रग़ता, जब फारिग हो जाए, जब फ़ाइज़ा फ़रग़ता, जब आप फारिग हो जाए, तो इससे मुराद क्या है कि नबूवत वाला काम, आपको तो नबूवत वाला काम था। फनसब तो थका देने वाली मेहनत करें, फनसब कहते हैं मेहनत करें, फिर मेहनत करें, कौन सी मेहनत जो थका दे। वइला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत करें। ये नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म है, इससे पता चलता है कि वलायत भी है, नबूवत भी है, वलायत भी है, नबूवत भी है, वलायत भी। तो वलायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी अपनी नबूवत, इसमें अफजल क्या है, इस पर उलमा का इख्तलाफ है, कोई फैसला नहीं है, लेकिन वलायत उसकी अपनी अहमियत है। ये जो मेहनत है ना, वइला रब्बिका फरगब, और अपने रब की तरफ रगबत, ये वो मेहनत है। मुराकबा जिक्र, कोई दिल ऐसा हो जाए उसमें अल्लाह का गैर ही ना हो, तो इसलिए कहते हैं इस सबसे बड़ी वलायत उनकी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो गैर का सवाल नहीं। ऐसा दिल अपना बना लेना उसमें गैर हो ही ना, वो फिर वलायत कह रहे थे। नबूवत तो अल्लाह मुंतखब करते हैं, चुनते हैं, उनको देते हैं, लेकिन वलायत में शख्स कोशिश कर सकते हैं, कसबी चीज मेहनत करे और अल्लाह की दोस्ती हासिल करे। अल्लाह से मोहब्बत कसबी है, मेहनत करे और मेहनत अल्लाह से मोहब्बत हासिल करे, तो अल्लाह से मोहब्बत के लिए मेहनत करे। ये हमारा जो मुराकबा जिक्र है, ये वलायत हासिल करने के लिए, ये वो मेहनत है जिससे इंसान अल्लाह का वली बन जाए। वली कौन है? बड़ी बड़ा आसान टेस्ट है, जिसके दिल में अल्लाह है वो, और जिसके दिल में अल्लाह का गैर है, गैर आ गया तो लायक नहीं, सिर्फ अल्लाह सुबह शाम। इसको मर्तबा एहसान भी कहते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और काफ़ी सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए, और एक ये भी सवाल था कि एहसान क्या है, मल एहसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदाबुल्लाह कन्नक तरा, जो अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया कि तू उसको देख रहा है। फिर लम ततुन फम तकुन फाइन ना हो जरा, अगर तो ये ना कर सके तो वो तो तुम्हें देख रहा। मफहूम बता रहा हूँ, इसको मरतबा एहसान। और उलमा ने लिखे है कि इबादत 24 घंटे मुसलमान इबादत में है, तो तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया कि तू उसको देख रहा है,
तो इसका मफहूम गहराई में क्या है कि तेरी जिंदगी हर वक्त ऐसे हो जाए कि तू अल्लाह को देख रहा है, हर वक्त खड़े बैठे। कई जगह पाने के लिए इसका है कि मेरे खास बंदे हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हाल में मुझे याद करते, बहुत बड़ी नेमत है। रिजालुम ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे बंदे ऐसे हैं कि तजारत और खरीद व फरोख्त उनको मेरी याद से गाफिल नहीं करते। इससे पहले वो है कि खड़े बैठे लेटे हर हाल में, तो भाई अल्लाह की याद की ऐसी मशक हो जाए कि आदमी हर वक्त ही उसको याद करे। और हो सकता है उस वक्त कोई कहे ये कैसे हो सकता है, दिल तो एक ही है, दिल एक है, लेकिन जब दिल अल्लाह से वासिल हो जाए तो फिर हमने हजरत से पूछा कि हजरत अगर दिल अल्लाह से वासिल हो गया तो काम कैसे याद निकले, काम तो दिल से होते हैं, दिल में इरादा पैदा होता है, उससे अमल वजूद में आता है। तो फरमाया फिर दिल से नहीं काम करेगा, अकल से करेगा, फिर अपने काम काज अकल से करेगा, दिल तो अल्लाह को दे देगा। बहरहाल ये इसलिए बता दिया कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और आगे बढ़ना चाहिए। अपने दिल को ऐसा बनाए कि 24 घंटे मीना से ही चलो, 12 घंटे कितना हर वक्त, ये ना सही तो चलो एक पहर, ये ना सही तो चंद घंटे, ये ना सही तो एक घड़ी, 20 मिनट की कहते हैं घड़ी चलती, 20 मिनट तो ऐसे हो कि भाई हमारे दिल में अल्लाह के अलावा और किसी का ख्याल। इसको गौर व फिक्र भी कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आता है एक घड़ी का गौर व फिक्र 80 साल की इबादत से अफजल है। तो भाई इसके लिए कोशिश अब है ना, मुराकबा करो दिल की तरफ, तो जो कोई इसके बाद अगर करता हूँ तो वही अपने घर में सोफे पर बैठ जाओ और आंखें खोलो और जिक्र करो ताकि तुम्हें आदत पड़े, हर वक्त जिक्र करो, खड़े भी कर सकोगे, बैठे भी कर सकोगे, लेटे भी कर सकोगे। और अगर ऐसे आंखें बंद करके कपड़ा डालकर बैठकर जिक्र किया तो फिर जब तुम्हें जिक्र करना होगा फिर तुम्हें कपड़ा चाहिए होगा और जगह चाहिए होगी बैठने। तो जो इसकी मशक करे ये खड़े बैठे लेटे हुक्म है, हुक्म मेरे ऐसे बंदे जो खड़े बैठे लेटे हर हाल में होती है, तो वही इसकी मशक करे। चले अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं, जब ये मुराकबा करें उस वक्त तो कम अज़ कम दिल में अल्लाह को लाएं कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल पर बरस रही है और गफलत मेरे दिल से जा रही है, ज़मीन में जा रही है गफलत। اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اے اللہ یہ بھائی آئے ہیں اللہ ان کا کام بنا، اپنی محبت میں قبول فرما، اے اللہ غیر کی محبت آئے دلوں سے نکال دے، اپنی محبت آئے دلوں میں بھر دے، اپنی معرفت ہمارے دلوں میں بھر دے، اے اللہ اپنی دیوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا، آپ کی اداؤں پر عمل رکھنے والا بنا، اے اللہ ہمیں طالب علم ہیں ان کو حال امتحان میں اعلیٰ کامیابی کے عطا فرما، کام کاج والے ہیں ہمیں کام پر فیشن میں کمال عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، خوشی بھری زندگی عطا فرما،
اے اللہ ہمارے مقاصد کو، ہمارے مدارس کو، ہماری دین کی محنت کو، تبلیغ کے کام کو قبول فرما، اور اس میں لگنے والوں کی مدد و مقصد فرما. اور جہاں جہاں مسلمان دین کی محنت ڈالے ہیں اللہ کی محنت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائی، والدین، اولاد، عزیز و اقارب، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما، خوشی میں زندگی عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت میں دعا عطا فرما. ربك خير وارحم، اللہ خير وارحم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.